कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में नहीं आती हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कर्म के थप्पड़ इतनी भारी और भयंकर होती हैं कि किए हुए पुण्य कब खत्म हो जाते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है। साधु हो या फिर संत, हर किसी को किए हुए कर्म की सजा भोगनी ही पड़ेगी। हर कोई कर्म के जाल में फंसा हुआ है। और दूसरी बात, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हो सकता है आज आप जिसका अपमान कर रहे हो कल आपको उसके सामने झुकना भी पड़े। मानो या फिर मत मानो, हर किसी को किए हुए कर्म की सजा भोगनी ही पड़ेगी और उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, चाहे आज का कर्म हो या 500 हजारों साल पुराना कर्म हो। लेकिन कर्म का हिसाब हर किसी को देना ही पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं, मैं किसी का भाग्य बनाता ही नहीं हूँ। हर कोई अपना अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जैसा आज कर रहे हो वैसा ही आपको कल भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी किसी के साथ छल कपट मत कीजिए और ना ही किसी का दिल दुखाइए। जब तक आपके घर में कोई भक्त या भाग्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। जैसे कि विभीषण जी जब तक लंका में थे तब तक रावण खुश रहे। जैसे ही विभीषण जी जैसे भक्त वत्सल भक्त को लंका से निकाला गया तब से रावण का विनाश होना शुरू हो गया। उनका सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था। वैसे ही हमारे घर में भी होता है। जब तक हमारे घर में कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक हमारे घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहती हूँ कि कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं और किए हुए कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। तो कर्म अच्छे कीजिए।